हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और आप अपने रील को वायरल करना चाहते हैं तो कैसे वायरल करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम है ब्रिज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिज टेक। और मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे कि अपने इंस्टाग्राम रील्स को अगर वायरल करना चाहते हैं तो कैसे वायरल करें। तो मैं आपको आज 3 स्टेप ओनली बताऊंगा, 3 स्टेप और 3 सेटिंग आपकी जो है रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल कर देंगे, आपको इंस्टाग्राम पर जो है फेमस कर देंगे। तो आप भी अपने अगर रील्स को वायरल करना चाहते हैं इन 3 सेटिंग्स को जरूर ऑन कर लें। फ्रेंड्स, होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहुत बताते हैं बट ये सेटिंग आपको तीनों सेटिंग आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो प्लीज़ से प्लीज़ इन 3 सेटिंग को जरूर ऑन कर दें और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम रील्स को वायरल जरूर करें। फिर तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरह से अपने इंस्टाग्राम रील्स को हम वायरल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि अपना इंस्टाग्राम सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है ये 3 सेटिंग्स करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है और आपको भी अपना इंस्टाग्राम ओपन करके अपना प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद देख रहे होंगे मेरे में वीडियो क्रिएटर लिखा हुआ है, यहाँ पे व्यू प्रोफेशनल डाटा बोर्ड्स। तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को पर्सनल से प्रोफेशनल बना लेना है। फ्रेंड्स, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पर्सनल से प्रोफेशनल बना लेना है। प्रोफेशनल से क्या होता है फ्रेंड्स, अपना वीडियो ज़्यादा वायरल होता है और इंस्टाग्राम को लगता है कि ये हमारे लिए ही वीडियो बना रहा है या रील अपना बना रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, हमने सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ 3 टिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं बट आपको इसमें क्या करना है, अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे स्विच अकाउंट टाइप लिख रहा है, ठीक है, और एडेड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ पर स्विच अकाउंट टाइप पर जब क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपको स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है, इस पर दोनों मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या करना, स्विच टू बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर देंगे और आपको इसको प्रोफेशनल बना देना है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा ऑन है तो ऑलरेडी मैं इसको ऑन नहीं करता फ्रेंड्स, और आप भी अपने पर्सनल अकाउंट स्विच को करके पर्सनल से बिजनेस वाले अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा और आपको वहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स मिलेंगे। आपको वहाँ वीडियो क्रिएटर पे क्लिक करके आप अपना वीडियो क्रिएटर या आप जो भी प्रोग्राम चलाते हैं या टीचिंग वगैरह करते हैं उस पर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से उन सेटिंग्स को जरूर से ज़रूर अपना ऑन कर ले। फ्रेंड्स, ये थी पहले सेटिंग्स फ्रेंड्स। और आपको मैं दूसरा सेटिंग बताना चाहता हूँ, आप अपने अगर इंस्टाग्राम को वायरल करना चाहते हैं और अपने आपको ट्रेंडिंग में लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग वाली ही वीडियो को आपको अगर आपको सबसे पहले मिले कि आपके कौन सी ट्रेंडिंग हो रही है तो आपको सबसे पहले अगर पता लगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस ट्रेंडिंग वाली वीडियो आपको कैसे पता लगेगी। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे सेटिंग्स पे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन मिल रहा है प्राइवेसी का और प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको रील्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या है, इनेबल रिमिक्सिंग, ठीक है, यहाँ पे अनेबल रिमिक्सिंग को आपको क्लिक कर देना है। इससे जब आप कोई नया टॉपिक, नया चीज ट्रेंडिंग होगा तो उस पर आप अगर वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो को दूसरे भी लोग उसको रीयूज कर सकते हैं। और रीयूज करने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे वायरल होती है हमारे रील्स, उसका कोई रीयूज करता है तो मतलब कि देखता है और उसको आपको रीयूज करता है। तो फ्रेंड्स, इसको जरूर से जरूर ऑन कर दे। और तीसरी सेटिंग्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर अपना इंस्टाग्राम रील बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर ही केवल डालते हैं, लेकिन आप अगर इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक अकाउंट दोनों एक ही है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम रील्स को जो है फेसबुक के रील्स पर जाके वहाँ पे अपडेट कर देना है और वहाँ का रिकमेंड कर देना है कि आपका रिकमेंड करे आपके रील्स जो है फेसबुक पर। तो उसको आपको तीसरी सेटिंग ऑन कर देना है। तीसरी सेटिंग के लिए आपको फिर से आपको 3 टिक पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने पर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ फिर से प्राइवेसी पर जाना है और आपको यहाँ पर रील्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखेंगे रिकमेंड ऑन फेसबुक। तो इसको जब आप करेंगे तो जो भी आपका रील होगा वो आपके फेसबुक के अकाउंट पे भी यहाँ पे शो करेगा और वहाँ भी आप अगर वायरल होते हैं, आपके जब फॉलोअर वहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी बढ़ेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक पे ही यूजर नेम से चल जाते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ से प्लीज़ इन सेटिंग को जरूर ऑन कर दें, तीनों सेटिंग। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना फ्रेंड्स और कमेंट करके बताना कि अगर आपका यह प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।